49वीं कहानी परमेश्वर नैया वादा। एक स्वर्गदूत एक कुंवारी लड़की मरियम थे के उस कि वो परमेश्वर चला जन्म दे और वो में पवित्र आत्मा आज और वो गर्भवती भेज उल ऊ चलास जन्म दीच जैक नाम उल यीशु राखे। एक कारण यीशु परमेश्वर छे और आदिमले यीशु बहुत सा चमत्कारा काम करयन जो दिखुनान की वो परमेश्वर छे। वो पानी में हिड़चे और आंधी शांत करचे, उल बहुत सा बीमार लोगों संगो करचे, बहुत लोगों में बैठे दुष्ट आत्मा निकालचे, उल मरीना लोगों जून कर दीच और उल 5 रोट और 2 माच्छान ले 5,000 लोगों खिलाच। यीशु एक महान शिक्षक ले छो जो कुछ ले उल सिकाच, उल सिद्धता दगाड़ सिकाच, जो उ लोगों करुण किनकूच उन करुण चैच क्या खिन की परमेश्वर चुल छे। उद्धार खिन उल सिखाच कि तुम उन हरेक लोगों का दगाड़ उसी का प्रेम करना जरूरत छे जैसके तुम खुदस प्रेम कर छा। उल युले सिखाच कि तुम उन सब चीजों है जाद और अपन संपत्ति है ले जाद परमेश्वर प्रेम करुन चैच। यीशु क्योच कि संसार में कोई ले चीज प्राप्त करुन है जाद निक छे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करुन। उक राज्य में तुम उन खिन प्रवेश करुन जरूरी छे कि परमेश्वर तुमुन तुम्हार पापुन भटे बचो। यीशु क्योच कि जो लोग उस ग्रहण कराल परमेश्वर उन बचाल, लेकिन जो लोग उस ग्रहण नहीं कराल उल योले क्योच कि उस लोग निक जमीनक न्याज छन क्या खिन कि उन यीशु के बारे में सुसमाचार स्वीकार कर लेनान और परमेश्वर उन बचूच। लेकिन कुछ लोग बाटवाल बंजर जमीन जस छन, परमेश्वर वचन बीग जस है बाट में पढ़सो लेकिन वहाँ केल न जामनो। इन लोग यीशु के बारे में संदेश स्वीकार न करना उन ऊक राज्य में प्रवेश करुन है इनकार कर दिनान। यीशु सिकाच की परमेश्वर पापिन बहुत प्यार करसो, वो उन माफ करुन चाँच और उन अपनी संतान बनुन चाँच। यीशु योला बताच कि परमेश्वर पाप बटे नफरत करसो यखिन की आदम और हवाल पाप करछे। एक कारण उनार पूर्व वंशल पाप करछे। यो संसार में रुनवाल हरेक जन पाप करछो और परमेश्वर है दूर छे, हरेक जन परमेश्वर दुश्मन छे। परमेश्वर यो संसार में रुनवाल हरेक जनस इस तरीका प्रेम करछे उल अपुन एक लौतो चुल दी दीच ताकि जो कोई ले उमे विश्वास करछो परमेश्वर उस दंड न दिन बल्कि एक बजाय उन उग दगाड़ हमेशा रोल। तुम मरना लायक छा कैखिन की तुम उल पाप करीनाक छे, तुम उन था परमेश्वर नाराज हुनकिन ठीक छो। लेकिन एक बजाय वो यीशु में नाराज भ्योज और उल यीशु सूली में मौतक सजा दी भिरन। यीशु कभे पाप न कर लेकिन परमेश्वर उस दंड दीज उल मरजान स्वीकार कर छे इसके तुम्हार पापुन और यो संसार में सबुन का पापुन माफ कर उनखिन यो एक सिद्ध बलिदान छो। यीशु खुदस परमेश्वर खिन बलिदान कर दीच। एक कारण परमेश्वर कोई ले पापिस यहाँ तक कि भयंकर पापुन ले माफ कर छो। भले अगर तुम्हार बहुत निक काम करीना हुन ते एक द्वारा परमेश्वर तुम उन बचाल उक मित्र बनुन खिन इसके नहातिन जो तुम कर सकता। एक बजाय तुम उन यो विश्वास करुन छे कि यीशु परमेश्वर चुल छे और वो तुम्हार बदल सूली में मर गयो और यू ले कि परमेश्वर उस मरीन में बैठे जून कर छे। अगर तुम ये बात में विश्वास करा तब परमेश्वर तुम्हार पापुन की क्षमा करोल। परमेश्वर उ हरेक जनस बचाल जो यीशु में विश्वास करतो और उस अपन प्रभु बांछो, लेकिन उन्होंने नी बचाल जो मैं विश्वास न करना। यो कोई मायने न रखनो कि तुम धनी छा या गरीब छा, आदिम छा या शैन छा, बूढ़ छा या जवान छा, या तुम कहाँ रुचा परमेश्वर तुम उन प्यार कर छो और चाँच कि तुम यीशु में विश्वास करा कि वो तुम और मित्र बन सको। यीशु तुम उन बुलून मरियोस कि उमें विश्वास करा और बक्तिस्मा ली। क्या तुम विश्वास कर छा कि परमेश्वरों एक लौत चुल यीशु ही मसीह है? क्या तुम विश्वास कर छा कि तुम एक पापी छा और यो कि तुम परमेश्वर द्वारा सजा दिन योग्य छा? क्या तुम विश्वास कर छा कि तुम्हार पापुन
मिठून खिन यीशु सूली में मरछे और उल तुमुन खिन करछे ऊ में विश्वास करसा कि तुम मसीह छा। शैतान अब अपन बुर कामल तुमुन में राज न कर सकुन। अब परमेश्वर अपन भल कामल तुमुन में राज कर छो। उल तुमुन पाप कर उन्हें रोक दीस जस तुम करने रोचा। उल तुमुन एक नया उचित जीवन दी रह। अगर तुम एक मसीह छा त जो येशुल कर छे ऊ कारण परमेश्वर तुम्हार पापुन माफ कर दियन। आप परमेश्वर एक दुश्मन ने बल्कि तुमुन एक घनिष्ठ मित्र मानछो। अगर तुम परमेश्वर मित्र छा और प्रभु येशु के सेवक छा त तुमुन उन बातों को पालन करना की इच्छा करला जो येशु तुमुन सिकूँ। भले ही तुम एक मसीह छा शैतान पाप करुन किन तुम्हार परीक्षा करोल लेकिन परमेश्वर हमेशा ऊ कर छो जो ऊ कूच कि उई करोल। ऊ कूच कि अगर तुम अपन पापुन मान ली तो वो तुमन माफ कर दियोल। ऊ तुम्हार पापुन का खिलाफ लड़ून खिन ताकत दियोल। परमेश्वर तुमन थे प्रार्थना करुन खिन और वचन पढ़ुन खिन कूच और तुमन दूसर विश्वासिन का दिगाड़ मिल भेन ऊ आराधना करुन खिन कूच। तुमन दूसर अन्य लोगों ले बतून छे कि ऊल तुमन खिन की कर छे। अगर तुम इन सब कामुन करा तुम ऊ पक्का मित्र बन जाला।